क्या यार, आजकल तू भाई के घर दिखता नहीं है। नहीं यार, कोई मतलब नहीं है आके। लेकिन पहले तो तू यार हमेशा दिखता था, तो अब क्या हो गया तुझे? तो अब क्यों नहीं आता तू? लगता है कोई मैटर हुआ है। अरे दोस्त, तू क्या एक बात जानता है, अपुन के सर पॉलिटिक्स में घुस गए हैं। हाँ। थोड़े दिन में काउंसलर बनेंगे। हाँ, उसके बाद एमएलए बनेंगे। हाँ। एमपी बनेंगे। हाँ। सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे। हाँ। और फिर बढ़ते चले जाएंगे। ए, इतना सीन क्यों बढ़ा रहा है? तेरी तरह लड़की के पीछे घूम के मार खाऊं? छोड़ यार, एक बात बता, ये सफेद कपड़ा पहन के घूम रहा है तो क्या मिनिस्टर है? ए, मैं सफेद कपड़ा पहनूं चाहे नंगा रहूं, तुझसे क्या मतलब? तेरी क्या औकात है मुझे मालूम करना। इतने दिन के बाद तो हम मिले हैं और तू चालू हो गया। जो इसका दिल करता है वो करेगा। ए, मैं तुझको भी बोलता हूँ, तू भी भाई के घर मत जाया कर। अपना घर नहीं है, पैसा नहीं कमाना है, उनके चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही बोल रहा है यार, तू सही बोल रहा है। दोस्त, सामान तो यहीं कहीं रखा है ना? नहीं यार, तुम लोगों से मिलने आया इसलिए कोई सामान नहीं लाया। लेकिन हम लोग तो लेके आए हैं। ए, भाई के खिलाफ तो बात करता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? हम लोग के होते हुए तू भाई को बदनाम करेगा और हम लोग सुनेंगे? अपन लोग तो फ्रेंड है यार। देख क्या रहा है यार इसको। हॉर्न बजा के जल्दी चलना बेटा। हॉर्न साइलेंसर की आवाज से ही सब लोग भाग रहे हैं माँ। देख ऐसी बातें मत कर, तेरे पापा की दूसरी पसंद मैं हूँ, पहली तो यही है। संभल के माँ, तीसरा मैं भी हूँ। ये लो पकड़ो, ये ले। लाइए बहन जी, क्या चाहिए? भाई साहब जरा ये दीजिए। देता हूँ भाई। ए, जो जो बोलता हूँ निकाल दो। 1 किलो तुअर दाल, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम धनिया और 1.5 किलो निकाल। गांजा लिख दिया। क्या भाई, कॉलेज भी जाते हो क्या? जी हाँ। तब तो ठीक है। अबे बताओ, मेरे जाने के बाद तुम लोग गांजा तो नहीं बेचते हो ना? भाई साहब, सूखा मिर्ची लिखना चाह रही थी। मैं समझ गया बहन, आपने सूखा मिर्ची लिखना चाहा होगा, लेकिन आपके बेटे ने गांजा लिख दिया उसमें। ए भाई, जरा इधर आना ना, ये गांजा बिंजा हम लोग नहीं बेचते, तेरे कॉलेज में जा, वहाँ बिकता होगा। सिर्फ गांजा बिंजा ही नहीं, आपकी बेटी कंचन भी मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। ओह, क्या बात है। इधर ला, इधर ला। ये! इधर, इधर लाना, ला, शांत हो जाओ बच्चों। अरे विजय, आप कब आए? हम लोग तो बस सभी आए। कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। जी और कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है जी। थोड़ा टाइम निकाल कर आईआईटी के एंट्रेंस की तैयारी करो। अगर तुमने आईआईटी ज्वाइन कर लिया और एमटेक कर लिया ना, तो इसरो में तुम्हारे जॉब की मेरी गारंटी है। मामा, आप रॉकेट भेजोगे क्या? या। कहाँ पर? चांद पर। अच्छा एक बात बताओ, जमीन से चांद तक कितनी दूरी है? बताओ तो। बताओ ना कितनी दूरी है। बोल ना बेटा, बच्ची जानना चाह रही है। सोच लो। बता देना, जानता नहीं है क्या? दीदी, कुछ लाख किलोमीटर होगा, एक्यूरेट नहीं बता सकता। पागल की तरह सवाल पूछती है। एक्यूरेट नहीं पता तो एप्रोक्सीमेट बता दो। ये बहुत पहले पढ़ा था, अब तक कैसे याद रहेगा? तो आप कुछ भी नहीं जानते? कमाल है मामा, मैं तो आप पे बहुत भरोसा करती थी। 384,400 किलोमीटर जमीन से इतना दूर है चांद बेटा। जिस काम में ना इंटरेस्ट हो उस काम को जानना चाहिए, इसीलिए। माँ, ये सब छठी में पढ़ाया जाता है। हाँ, यही तो कह रही हूँ, छठी क्लास वाली को सब पता है। तुम कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हें तो और आना चाहिए। छुटकी भी तुम पर गई है। अरे अरे, ब्लेड लग गया। जरा हटो, क्या हुआ? टिकट में पिन होता है ना आंटी, तो इसने टिकट मुंह में डाल लिया, तो वो पिन इसके दांत में अटक गया। आंटी जरा एक मिनट, मुंह खोलो। अरे ये बहुत बुरी तरह अटक गया है। पता नहीं पिन कैसे अटक गया। कनन, ए कनन, इधर आना। जरा देख ना, पिन अटक गई है। जरा निकालने देना, निकल जाएगा।
हमारी रोज का बोरिंग लेक्चर और क्या। पहले से बोलता था उसको। मैं बोल रहा हूँ रुक जा। Hey! आज तो तू बच गया लेकिन रोज नहीं बचेगा समझा। कौन था जिसने इस पर हमला किया? मेरे बेटे को मरना चाहता है? ए, इधर आ। ए, अब दम है तो मार के दिखा। ए, सुन नहीं रहा है? मार के दिखा। कौन था वो? अगर मुझे पता चल गया ना सर, इतना तो नाराज क्यों हो रहे हैं सर? एक एक को काट के रख दूंगा। क्या हुआ रे सर, टेंशन की बात क्या है? क्या बोलो, टेंशन क्यों है? इधर आ। सर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुझे बुरा लगा ना? अगर तेरे बेटे को दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा तब तुझे पता चलेगा टेंशन क्या होती है। क्या बात कर रहे हैं? ये तेरा कॉलेज है, गुंडों का अड्डा खोल रखा है? कोई रोड छाप लड़का है क्या? वीआईपी का लड़का है, इतनी आसानी से छोड़ देंगे? सर वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है सर। तो फिर कौन है बताना? मैं नहीं जानता सर। सारा गाँव जानता है वो धनक आदमी है और ये यहाँ एक्टिंग कर रहा है। जाने दे, मैं देख लूंगा इस मामले को। तू नहीं बताएगा ना? ठीक है मत बता, मैं खुद पता कर लूंगा और उसके बाद पूरे परिवार को जिंदा चला दूंगा, तेरे खानदान को भी नहीं छोड़ूंगा। चल चलो चलो अपने क्लास में जाओ। चलो चल चल, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो स्टूडेंट्स गो टू द क्लासरूम। चलो क्लासरूम में वापस जाओ। चलो भीड़ मत लगाओ। चलो आ गया कॉमेडियन सुंदर राजा, इंग्लिश और हिंदी मिला मिला कर बात करता है, उसके सामने तो इसकी फट गई थी। चलो अरे पागल, फालतू में बात क्यों बढ़ा रहा है? वो ऐसा आदमी नहीं है। क्या मतलब? मेरे बेटे को कॉलेज में दौड़ा दौड़ा कर मारा उसने, अब बोल रहे बात मैं बढ़ा रहा हूँ? ए, तेरा बेटा बहुत शरीफ है क्या? उसकी कोई गलती नहीं होती, उसके लिए गर्म हो रहा है। देख कॉलेज के मैटर को इस तरह पतंग की तरह ढील मत दे, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझ में आया कि नहीं? मतलब कोई मेरे परिवार को खत्म करना चाहता है और आप ये कह रहे कि मैं चुप रहूं? मैं आपका भी तो खून हूं, भूल गए हैं क्या? इसीलिए तो तू अभी तक मेरे सामने खड़ा है। मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे हो। फालतू में बात मत बढ़ा, ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़कर साथ में मिलकर काम कर, लोगों का भला कर, नाम कमा। भैया वो देखो आ रहा है। भैया भैया खुश रहो खुश रहो। मैं एमएलए बन रहा हूँ, आप नाराज तो नहीं? इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मेरे बदले आप लोगों की सेवा करेंगे, मेरी तो यही तमन्ना है कि सब लोग सुखी रहें। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मेरे बाप दादा ने इस पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उनके जाने के बाद न जाने कितने लोग आए और धीरे धीरे इस पार्टी में अपना कद बढ़ाते गए। भैया मुझे पैसों का तो लालच नहीं है पर राजनीति तो मेरे खून में है ना, इसीलिए हाईकमान से बात करके एमएलए का पद मांग लिया। और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपने खुद से ही एमएलए का पद छोड़ दिया, आप महान हैं। आप बहुत आगे जाओगे भाई, भाई संभाल के जाना। जी ए धना,
क्या दोस्त, आज एकदम दिल खोल के सबको ट्रीट दे रहा है, आखिर मैटर क्या है? कुछ नहीं यार कन्नन, मैंने कहा था ना मेरे घर के पास एक लड़की है। अच्छा, पड़ गई यार। वाओ, हाथ मिला यार। छी, किसी की जिंदगी खराब करने वाला है, तू हाथ मिला रहा? मैंने तुझे बोला था ना कितनी सुंदर लड़की है वो। अरे उसकी बात छोड़ यार। ए, एक भाभी को भी पटाने की औकात नहीं है इसकी, एक मस्त लड़की को पटा लिया इसने। तुम जैसे गद्दारों को उधार लेके ट्रीट दे रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया। क्या बात कर रहा है, अब तो चालू मत हो। सर ऑर्डर प्लीज। दो मिक्स राइस। दो मिक्स राइस, एक प्रॉन्स राइस, एक चिकन नूडल्स और एक ग्रिल चिकन। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। अरे बंटा, आज तो तू हीरो बन गया, लेकिन अगर तू काउंसलर के बेटे को टपका दिया होता ना तो भाई तेरे को सिंगापुर ले जाके शराब से नहलाता। क्या बोलता है, बोल। ए, भाई से बात करके थोड़ी नजदीकी बढ़ा, भाई तेरी जिंदगी बना देंगे। दोस्त एकदम भाई की तरह दिखता है, तेरा हेयर स्टाइल भी उनके जैसे ही है, तू हम लोग में सबसे जल्दी आगे बढ़ेगा भाई। ए, भाई आगे। क्या रे छोटे, शेरों जैसा काम कर रहा है तू, खाना बिना खाया कि नहीं? खा लिया भाई, खाया। आ भाई, क्या बात है, लग रहा है। मैंने सुना तूने कॉलेज में अकेले दौड़ा लिया, लड़के कह रहे थे। दौड़ा तो लिया था मगर बच गया भाई। कोई बात नहीं यार, मेरा छोटा भाई है तू, ये सब होता है। जी नमस्कार। क्या हुआ सेठ जी, देख रहे हो मेरा भाई है, मैं जो भी कहता हूँ वो कर देता है। क्या धना भाई, ये तो अभी बच्चा है। क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? सही कहा भाई। इसको मार दे। नहीं नहीं धना भाई, नहीं नहीं धना भाई, नहीं धना भाई, मुझे मत मारो धना भाई। बैठ 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 जा। अच्छा छोटे, एक आदमी बहुत परेशान कर रहा है, क्या करने का? मार देने का भाई। सेठ जी फोटो दे दो। जानता है ये कौन है? इसका फोटो मैंने पेपर में देखा है, बस इतना ही जानता हूँ भाई। ये ले रख ले। भाई अपन ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहे। पकड़ रहे, तू छोटा भाई है रे मेरा, भाई को मना करेगा? अपने पास से थोड़ी दे रहा हूँ, सेठ जी दे रहे हैं। चल रख ले, रख ले, चल जा। ठीक है भाई। मेरे लड़के लोग को हल्के में नहीं लेने का, समझाना? कहाँ जाने का? अपन लोग कहाँ जा रहे हैं? सब इधर ही बता दूँ, चल बे। हर दिन पानी के लिए इतनी झंझट होती है, जब तक ये औरत इस चौल में रहेगी ये सरदर्द ऐसा ही रहेगा। ये टंकी कितने सालों से गंदी पड़ी है, इसकी मरम्मत करवानी चाहिए, थोड़ा सा ईंट सीमेंट से काम हो जाएगा। अभी पिछले साल ही तो टैंक ठीक करवाने के लिए पैसा मांगा था, तू बोलेगा तो फिर मांगेगी। ए चुप कर, आ गई। कितनी बार तुम लोगों को बोला कल से बीच में मत रखा करो, पता नहीं खाना खाते हो या घास खाते हो। चलो मुझे बहुत काम है, कल पानी मिलेगा। ये कैसी बात कर रही हो बेटी, सुबह से एक कलसा पानी के लिए खड़े हैं। मैंने खड़े होने को कहा? खड़े होके मेहरबानी कर रही है, मेरे को पगार कोई नहीं देता पानी देने का, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। ए चल बुड्ढी, दीदी खराब है, सुबह सुबह पनौती लगा दी, ऐसा पानी पीने से अच्छा तो मर जाए। अरे भगवान, किसको मार रही हो? उस जानवर के हाथ से पानी पीने से अच्छा है कि मर जाए।
माँ आ रही हूँ बेटा, इसमें चपाती रखी है, चार लोग खा सकते हो। ए रात भर पढ़ना मत, थोड़ी देर सो भी लेना। माँ वो बस थोड़ी देर ही पढ़ने वाला है, तो बिना काम के एडवाइस दे रही है। Cheers! ए थाम थाम, चल थाम, गाड़ी उभी कर। कहाँ से आए रे? चल तोड़ू गढ़। सर फुलटू है यहाँ। मुझे तो पहले से लग रहा था। चल भक्तों का साइड लगे। लगा लगा इधरी लगा। गाड़ी। सर सॉरी सर। ए चल रे। गाड़ी में चल, चल। गाड़ी बस। चल। चल अंदर। ए भाग दूसरे आ गए। हाँ भक्तों है, भक्तों है। ए थामा, थामा। क्या रे पुलिस वाले, पहचानता नहीं क्या? पहचाना नहीं, जाओ भाई। अब जा सकते हो भाई। ऐसे ही रहना। चाहिए। चल। ये फंस गया क्या? चल बस स्थित है। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते। रात को दुनिया सोती है और तुम लोग बाहर घूमते हो। चालू दिन में होता तो कोई बात नहीं, वार्निंग देके छोड़ देता, पर आज तो गांधी जयंती है, आज के दिन तो पकड़ना ही था। तुम लोग के पास घर वर नहीं है क्या? रात भर यहाँ वहाँ क्यों घूमते रहते हो? सर ड्रंक एंड ड्राइव का केस है सर। ये पेटला और तड़का लगा रहा है। सॉरी सर। अगली बार यहाँ दिखाना तो अंदर डाल दूंगा। चल निकल। ए, कहाँ था अभी तक, इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी माँ, मैं रात को गोविंद के रूम में सो गया था, टायर पंचर हो गया था और उतनी रात को कोई बनाने वाला भी नहीं था। अच्छा पिताजी काम पर चले गए क्या? सॉरी पिताजी, रात में गोविंद के पास सो गया था और टायर भी पंक्चर हो गया था। अब झूठ भी बोलने लगा बदतमीज, रात भर चौकी में बंद था। अभी कौन से क्लास में पढ़ते हो? बीएससी सेकंड ईयर पिताजी। अभी तक तुमने जो कुछ भी मांगा क्या वो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं दिया? नहीं पिताजी, मेरे मांगने से पहले ही आप मुझे दे देते हो। तेरे एलकेजी से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक तेरी माँ ने या मैंने कभी ये पूछा कि तू क्या कर रहा है, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि थिएटरों में जाकर फिल्म देख रहा है, कभी टोका? नहीं पिताजी। क्योंकि हम अपने बेटे पे बहुत विश्वास करते हैं, हमें पता है कि हमारा बेटा कुछ भी करेगा तो अच्छा ही करेगा। जैसे तुझे ये भरोसा है कि हम तुझे लाकर सब कुछ देंगे, लेकिन अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे हमारी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, तुझे अपने दोस्तों का साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। होशियार हो गया ना? अब ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, चलो खाना खा लो। क्या दोस्त, कल पीकर तू सड़क पर ही सो गया था क्या? हाँ सुना है पुलिस भी उठा के ले गई थी तुझे, धुलाई भी की होगी ना? हे चल निकल। अब दोबारा मत सोना। पूरे कॉलेज को पता चल गया, मुझे लगता है उस नेता के लड़के ने बताया होगा। मेरे पिताजी को भी उसने ही बताया होगा। तो देख क्या रहा है, चलो रे। तेरे पेट में बात पचती नहीं? पॉलिटिशियन का बेटा है तो कुछ भी करेगा, गुंडे सिर्फ तेरे पास ही है, हमारे पास भी बहुत हैं, बस एक फोन किया तो तुझे लुढ़का देंगे, यहाँ सर से पांव तक काट देंगे। देखना है क्या? बोलना, फोन करूं? चल जा, ये एक्टिंग किसी और को दिखाना, मेरे सामने नहीं चलेगी। चल निकाल। अरे भाई क्या कर रहे हो? ए धना। हाँ। आजा आजा आजा। बोलिए भाई। इधर आना, ये है मेरा धना, मेरे बेटे जैसा है, कोई मदद मांगता है तो ये खुद आकर के करता है, बहुत बड़े दिल वाला है पर थोड़ा पागल है।
तो नीता जी मैं चलूं। इतनी जल्दी क्यों जाएगा? मेरा जन्मदिन है, तू वापस जाने की बात कर रहा है? अभी नहीं जा सकता, रुक जा। मैं आ गया, खाना खा लिया। ये लोग तो मेहमान है, आप मेरे लिए तो इनसे बढ़ के। थोड़ा काम था नेता जी। अच्छा तो काम की बात है, तो फिर जा सकता है। अबे पागल, जाके बाल काट चल। हाँ धना, कैसा है? मैं ठीक हूँ। इतनी जल्दी जा रहा है? एक छोटा सा काम आ गया। तेरा तो वट है, बड़ा नाम है भाई। नाम से ही पूरा एरिया कांपता है। एक चुटकी मारता है तो 100 लड़के खड़े हो जाते हैं। मेरे आजू बाजू देख, अभी तक सब मिलकर पोस्टर ही चिपका रहे हैं। अपने अच्छे लड़कों को मेरे पास भी भेजना था ना। मेरे लिए कोई काम नहीं करता, सब मेरे भाई जैसे। यही बात तेरी, यही बात जो है ना, एक छोटे लड़के से आज इतना बड़ा बना दी, किसी की नहीं सुनता। और आप कम हो क्या? इस घर में माली का काम करते थे और अब यहाँ के काउंसलर, लोगों से घिरे रहते हो। माल है, मान है, इज्जत है, बड़े तो आप हो ना भाई। चल, इतना बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है, यह तो तू भी पा सकता है। पार्टी ज्वाइन कर ले, कटआउट लगवा दे, माला तो लोग पहनाएंगे। मैं तो चाहता हूँ धना, तू भी मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले और तेरे भी कटआउट्स लगे बड़े बड़े। मैं अपने हाथों से तेरे कटआउट्स पर माला चढ़ाऊंगा, दूध चढ़ाऊंगा, ये मेरी दिली चाहत है। क्या बोलता है धना? आपको मेरे जैसे गुंडे की क्या जरूरत? एक तरफ छोटा भाई है, पीछे खुद का बेटा है, मेन तो आप खुद हो। बस यही काफी है, आप समझ गए होंगे। मैं चलता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं तो ऑलरेडी बोल दिया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता छोड़ो ना। हाँ इट्स ओके, आई विल कॉल यू लेटर। कौन है तू? अबे कौन है तू? कुछ पूछ रहा हूँ? तेरे को ही पूछ रहा हूँ, कौन है तू? क्या काम किया, क्या बात है। बचपन में मैं भी तेरी ही तरह था। ए सेठ जी, देखा ना इसको, डरते हो? ये ले, रख ले। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। ए पागल है क्या? इंसान हो के पैसे को मना कर रहा है भाई। ये भी रख ले। ए रो क्यों रहा है, खा लेना। नहीं भाई, अगर आप नहीं होते तो मैं जिंदगी में इतना पैसा नहीं देख पाता। अब मरने तक मैं आपके साथ ही रहूंगा भाई। ए बस इतने से पैसे के लिए इतना कॉमेडी क्यों कर रहा है? इस काम के लिए मैंने कितने पैसे लिए सुन के तुम सबको हार्ट अटैक आ जाएगा। ओवर एक्टिंग मत कर, ये सब छोटा काम है। अभी अपन को बहुत काम करने बाकी है। जब मैं छोटा था तब मुझे अच्छा बुरा बताने वाला कोई नहीं था, अब बहुत आगे आ गया हूँ। अगर तुम लोग मुझे अपना भाई समझते हो तो कल के दिन अगर किसी ने मुझे मार दिया तो अनाथ की तरह मत छोड़ना, अपना कंधा दे देना। तुम लोग से बात करके इमोशनल हो गया मैं। तुमको जो पैसे दिए उससे कुछ व्यापार या दुकान खोल लेना और एक अच्छी लड़की से शादी कर लेना, दोबारा मुझे मत मिलना। समझ में आ रहा है? जब तक ये मैटर ठंडा नहीं हो जाता तू मदुरई में जाके रह ले और मैं जो कहूंगा वही करना। ए कुछ दिनों के लिए कोई इसे कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? चल खा ले, खा। ए, रुक तो। हाँ भाई। तू मदुरई मत जाना, सेलम निकल जा। वो क्यों भाई? वैसे अपने लड़के अच्छे हैं लेकिन किसी ने अगर पैसे की लालच दे दी तो बोल नहीं सकते ना।
ऐसे बारिश में क्यों भीग रहा है? घर पे भी आ सकता था ना। कोई बात नहीं भाई। तुझे इस एरिया में किसी ने देखा तो नहीं ना? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। चल चाबी ला ले। अच्छा लड़का था ना? हाँ भाई। क्यों सेठ जी खुश हो अभी? ऐसी बात नहीं है सर, ये जब भाई को मार रहा था तो नौकरों ने और उनकी वाइफ ने सबने इसे देख लिया था, इसलिए इसे मरवाना पड़ा। तू जाके सबसे कह दे। हाँ जी। धना को पैसे प्यारे हैं। हाँ। प्यार से कोई मतलब नहीं। ठीक है धना भाई। भाई, भाई। ए, क्या हुआ? कुमार। ए, क्यों रो रहा है बच्चे की तरह? अपने कुमार, इसको सेलम में किसी ने मार दिया। क्या बात कर रहा है? ए, छी, वो मदुराई में है, सेलम कैसे पहुंचा? हमने तो उसे मदुराई जाने के लिए बिठाया था, पता नहीं वो सेलम कैसे पहुंच गया हुआ है। उसे मुर्दे की तरह नहीं जाना चाहिए, शादी के दूल्हे की तरह ले जाना। एक काम करने में कितना समय लगाता है, तू भी तो कर सकता है। भाई साहब ये सब दीजिए। एक मिनट रुक जाओ भाई। अरे इधर दो ना मुझे भाई। मैं जो बोलूंगा वही निकालना। अच्छा डर गए, चलो बोलो। एक किलो मीठा तेल। घी एक किलो। क्या घी एक किलो चाहिए? हाँ हाँ। और क्या? तुवर दाल आधा किलो। और बादाम देना आधा किलो। बादाम चाहिए आधा किलो है? और कॉम्प्लान भी एक किलो डाल दूं क्या? हाँ हाँ, वो तो हम लोग हमेशा से ही लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और काजू कितना डालूं? पाव किलो डाल दीजिए। पाव किलो कितना दिन चलेगा? एक किलो डाल देता हूँ, चार दिन तो चलेगा ना भाई। ठीक है ना? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? ये हमारी तरह रोज इडली डोसा नहीं खाते हैं, बादाम में घी डाल के रोज पाव किलो खाते हैं। क्यों भाई, ठीक कहा ना? ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? एक डब सूप देना। हाँ? एक चंद्रिका सूप देना और एक फेनेस क्रीम देना, बस इतना ही। हाँ ठीक है, 200 रुपए दो। भाई तू 3000 रुपए दे। कॉलेज की फीस। हाँ कितना हुआ काट लीजिए। हाँ। आप भी उसी दुकान से सामान खरीदती हैं? तुम स्कूटर को धक्का क्यों मार रहे हो? बस ऐसे ही, आप चलकर जा रही हैं तो सोचा आपको कंपनी दे दूं। बैठिए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों, मेरे साथ डर लगता है क्या? ऐसी बात नहीं है, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी ना, तब एक लड़का मुझे साइकिल पे बिठा के यहाँ ड्रॉप करने आया था, तब मेरे भाई ने देख लिया था। तो फिर? फिर मेरे भाई ने उस लड़के के हाथ पैर 4 टुकड़े कर दिए थे। क्या हुआ? 4 टुकड़े कैसे कर दिए? 2 टुकड़े इधर, 2 टुकड़े उधर। ये सब क्या लाई है? सामान। कौन सा सामान लाई है? जो तुमने कहा था वही तो लेके आई हूँ ना। मैंने ये सब लाने को कहा था? अब तुम्हारी लड़की अपने होश में नहीं है, इसे कुछ भी कहो अपने मन का ही करती है। मैं आपसे कह रही हूँ इसके हाथ पीले कर दो, एक बार शादी करके अपने घर जाएगी तब पता चलेगा जिंदगी कैसे जीते हैं। शादी करा दोगे? करा दो, मेरा भी पढ़ने में दिल नहीं लगता। बैठ जा ना। अबे चुप, मैं खुश हूँ तो तू सह नहीं पा रहा है ना? क्या? मेरी खुशी से तू जलता है, ऐसा नहीं चलेगा। ये! चल तुझे घर ले, बहुत हो गया तेरा पागल।
कन्नन आपका ही बेटा है क्या? हाँ सर, क्या हुआ? तू ही कन्नन है ना? चलो क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? इसने क्या किया? ये तो बच्चा है। ये बच्चा है? ये बच्चे ने क्या किया? पुलिस स्टेशन में आकर के देखना। चला चल ए, यही था क्या बोलना? यही था? हाँ पापा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे को मारेगा? इधर आ, इधर आ। यार नाम क्या है? सर कन्नन। सर 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 नहीं, नहीं। इसे क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं मामा, झूठ बोल रहा है। मैंने देखा था, इसी ने मुझे सामने से मारा था। उस दिन लड़कों के साथ खाली डराया था सर। सर मैं झूठ नहीं हमसे झूठ बोलेगा हाँ? सर मैं तेरी सच इतनी हिम्मत हो गई? तू ऐसे नहीं मारेगा। इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे मेरे बेटे को? क्या किया सर मेरे बेटे ने? एक बार बताया कि तुझे ये तो स्कूल में पढ़ने वाला छात्र है। चल बाहर निकल। चलो आप घर जाओ। चलो सर, इसने क्या किया बताइए तो सही, इसे इतने बुरी तरह क्यों मार रहे? तू कौन? मैं इसका जीजा हूँ सर। तेरी दीदी का बेटा या तेरा भांजा, क्या फर्क पड़ता है? इसने मेरे भांजे को मारा, छोड़ दूंगा क्या? आपको गलतफहमी हुई है, ये वैसा लड़का नहीं है। मैं FIR बनाता हूँ, तू कोर्ट में आके बता। मैं भी गवर्नमेंट अफसर हूँ। अब तू यहाँ से जाएगा या तेरे सामने इसकी चटनी बनाऊ। चल भाग, लेके जाओ। ये क्या धांधली मचा रखी है? जो लड़का किसी से बात ही नहीं करता उसे पुलिस क्यों पकड़ के ले गई भला? दीदी मैंने सुना कनन को पुलिस पकड़ के ले गई, क्यों, क्या मैटर है? कॉलेज में कुछ लफड़ा किया क्या? क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। बिना कुछ बताए मेरे कनन को उठा के लेके गए। रो मत दीदी, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई है, हमसे जो हो सकेगा करेंगे, ऐसे ही थोड़े ना छोड़ देंगे। ए, रात को फोन करना चाहिए ना, अभी क्यों कर रही है? ठीक है, उम्र क्या है पता? उसके लिए नहीं, दूसरा मैटर है। अरे कुछ नहीं, हमारे घर के पास एक दीदी है, उनके लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई। तो फिर इस मैटर में सुन के आप खुश हो जाओगे। जो अपना एरिया सेक्रेटरी है ना, उसके लड़के का इनके लड़के से पंगा हो गया था, इसने उसका सर फोड़ दिया। कौन है ये? ये लोग मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, बड़े ही भले लोग हैं। पुलिस में अगर FIR हो गई तो ठीक है, 10 बजे स्टेशन पहुंचता हूं। 10 बजे पहुंचना है? हाँ पहुंच जाऊंगी। हाँ क्या कहा? 10,000 लगेगा? हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ओके हाँ हाँ थैंक्स। आपने सुन लिया ना दीदी, क्या बोला उन्होंने? 10 बजे हमारा लड़का बाहर आ जाएगा, लेकिन 10,000 रुपए उनको देना पड़ेगा। आपके पास है या मैं इंतजाम करूं? नहीं है मेरे पास। अभी छूट जाए वरना वकील कोर्ट बहुत पैसा लग जाएगा, और मारेंगे भी बहुत, और उसके घाव भरने में तो महीनों लग जाएंगे। आइए 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 आइए, प्लीज आइए सर। कैसे हैं आप? तुम अपना बताओ। ठीक हूँ, बताइए क्या पिएंगे? मेरे लड़के को किसी ने अरेस्ट किया है, उसे छुड़ाने आया हूँ। आपके लड़के को? आपके लड़के को कब अरेस्ट कर ली? रात को किसी ने उठाया है। रात को उठाया? वो आपका लड़का? सर सॉरी सर, प्लीज गलत मत समझिएगा, उसने एरिया सेक्रेटरी के बेटे को मारा, उन्होंने कंप्लेन भी कर दिया था। एरिया सेक्रेटरी का बेटा है या तुम्हारे रिश्तेदार का बेटा है, इसलिए? अरे ये क्या बात कर रहे हैं, ड्यूटी पर मैं ये सब नहीं देखता सर, वो लोग तो ऐसे ही सिरदर्द हैं, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। सर गलत मत समझिएगा। ठीक है तो मैं निकलता हूँ, बाद में मिलूंगा। धना सर एक मिनट, कॉन्स्टेबल उसे बाहर निकालो। क्या यार, तू धना का आदमी है, बोलना चाहिए था ना, बिना काम के मार खा गया। चल 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 निकल, सर लेकर जाइए। गुड,
डरने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अरे कोई बात नहीं, लेके जाइए। कनन माँ, जीजा आप इतना नाराज क्यों हैं? वहां पर धना आ गया था इसीलिए उसे छोड़ना पड़ा। ऐसी बात नहीं है साले साहब, ये कोई साधारण दुश्मनी नहीं है, वो जो भी है मेरे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नहीं, नहीं छोड़ूंगा। भाई एक बार आप आवाज तो करो, उसे हम खत्म कर देंगे। ए, उसे मारने के लिए मैं खुद चलूंगा। ए, उतावला मत हो, अब वो पहले जैसा नहीं है, बहुत आगे बढ़ गया है। पार्टी वाले भी उसे सपोर्ट करते हैं, जो उसे फाइनेंस कर रहे हैं पहले उन्हें मारो। भैया नमस्ते। भैया नमस्ते, अपने आदमी लोग आ गए? हाँ सब आ गए भैया, मैंने उन्हें काम पे भी लगा दिया। भैया वो ग्रेनेड का डिजाइन बहुत अच्छा है, अगर आप कहो तो मैं ऑर्डर कर दूं। इस बार जो मिट्टी आई है वो भी बहुत अच्छी है, माल बहुत अच्छा बनेगा। भैया आप जब कहोगे गृह प्रवेश के लिए घर तैयार हो जाएगा, तब तक मैं काम खत्म करवा दूंगा। अपने लड़के लोग कहाँ हैं? बाहर हैं भाई, जल्दी बुलाओ। क्या हुआ भैया? जल्दी बुला, बोलो ना। भैया भैया ठीक हो? भागो भैया रुक, नहीं बचेगा। कनन, गेट अप। चल सर, सर, चल। बहु सर, मैंने क्या किया सर? सर, मुझे वापस क्यों ले जा रहे हो? सर, चुप चाप। आप तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मेरी माँ किधर है? उसे बुला। क्या आवाज है? अरे बेटा, अरे मेरे बेटे, रो मत बेटा, मैं आ गई हूँ। सब डॉक्टर नर्स कहाँ चले गए?
मैं तेरे पैर पड़ता हूँ माँ, मुझे जहर दे दे माँ। नहीं नहीं ऐसी बात मत कर, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था? बहुत दर्द हो रहा है माँ। क्या कर रही है? इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, डॉक्टर ने बोल दिया है। क्यों बेटी तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुमको कितनी बार बताएंगे, ये क्या सरकारी अस्पताल है? अभी तक 4 लाख रुपया हो चुका है, तुम लोगों ने 2 लाख रुपया ही जमा किया है, बाकी का कब दोगे? मेरे बेटे को बचा लो, मैं कैसे भी करके पैसे दे दूंगी, मैं हाथ जोड़ती हूं। एक काम करो, मेरा भाई पैसे दे देगा, आप उसे फोन करो। क्यों भाई, कितनी बार फोन करूं, कोई रिस्पांस नहीं देता। पैसा देना ही होता तो अब तक दे चुका होता। ये लो इसकी बात करा दो। ये ले बेटा बात कर। भाई फोन उठाओ, भाई भाई फोन उठाओ, फोन उठाओ भाई, फोन उठाओ भाई, क्या कर रहे हो? फोन उठाओ भाई, फोन उठाओ, बात करो, बैठ के करो। बेटी बेटी क्या मत करो, मैं तुम्हारे पापा। क्या कर रही हो, क्या कर रही हैं आप? उठिए बेटी को बचाओ। मैं पढ़ो अपन से गलती हो गया भाई, वो तो इस बार भी बच गया, आपके बच्चे लोग इस बार भी खत्म नहीं कर पाए। अभी वो एरिया सेक्रेटरी है, अब आने वाले इलेक्शन में उसे एमएलए की सीट भी मिलने वाली है। अरे धना भाई, पक्का वो जीत जाएगा। अरे धना भाई, मेरा बेटा तड़प रहा है भाई। अगर वो एमएलए बन गया भाई तो किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरे बेटे को बचा लो भाई, मेरा बेटा अगर बन जाएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो मेरे को चल भाई, घर पे नहीं है, चल जा, चल आगे यहाँ से, चल। मेरा बेटा मर जाएगा, उसे बचा लो। वो तेरा? मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। तुम लोग भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरोगे, देखना तुम लोग भी रास्ते पे ऐसे ही कट के मरोगे, कोई तुम्हें पानी देने वाला नहीं आएगा, ऐसे ही मरोगे तुम लोग। हटो हटो हटो, जा जा जा, आ जा, माला लाओ, माला 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 माला, फोटो फोटो निकाल। अरे तू आ गया, आ जा आ जा। मुबारक हो नेता। ए अरे मैं कहे का नेता, अगर तू नहीं होता तो आज मैं खड़ा होता क्या? ये ले आ जा, मैं तुझे जबान देता हूँ, अगला काउंसलर तू ही होगा। ए फोटो निकाल। कैसे सब कुछ ठीक तो है ना? अच्छा अच्छा, क्या बात है, पुलिस भी है। तेरे चक्कर में बलि चढ़ गया ना? आपने मुझे पोस्टिंग दे दी, देखा ना वो कितना आगे बढ़ गया। चुप कर, तुझे पोस्ट दिलाने के लिए मैंने कितना खर्चा किया पता है? और तू ये सब? तो उसे छोड़ दूं क्या? हाँ छोड़ देगा, अब तू सड़क पे घूमने वाला नहीं है। क्या हुआ नेताजी? वो आपका आदमी इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ना? मैं आपका खून हूँ, एक बार आवाज दीजिए, उसकी तरह 100 धना पैदा कर दूंगा। ए तुझे और उसको बनाना जानता हूँ तो किसी और को नहीं बना सकता क्या? एक बार गद्दी पाने तक जो भी गलती की उसे भूल सकता हूँ, लेकिन गद्दी पाने के बाद तू जो भी गलती करेगा वो तेरी औरत भी ना जान पाए। तेरे और उसके बीच में झगड़ा है पूरा गांव जानता है, अगर तूने उसका कुछ कर दिया तो लोग नफरत करेंगे, और अगर लोग नफरत करेंगे तो तू मेरे किसी काम का नहीं। अच्छा तो मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो मुझे छोड़ देगा? ए, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तू चुपचाप खड़ा रहे बस। बोलिए, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? आपस में लड़के मर जाना चाहते हो क्या? पहले मैंने थोड़ी शुरू किया था, उसी ने पहले शुरू किया था ना नेताजी? मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। आगे से तू कुछ नहीं करेगा, तू मेरी बात मानेगा कि मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूं? मैं छोड़ दूंगा तो वो छोड़ेगा क्या? अरे पागल कहीं के, ये तुझसे डर के बैठा है और तू इससे डर के बैठ रहा है। अब सुन, मेरी जिम्मेदारी है। तू मेरी बात मानेगा कुछ नहीं करेगा? आप जो कहेंगे वो करूंगा। ठीक है, इससे बात कर, ले बात कर, पकड़ना। धना कैसा है भाई? माफ कर दो भाई, गुस्से में गलती हो गई। पुरानी बात छोड़ो धना, अब मैं तुम्हारे बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगा, और तुम मेरे बीच में बताना। ठीक है भाई, आपको पोस्टिंग मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में? मुबारक हो। ओह थैंक्स, मुझे तुम्हारा भी सपोर्ट चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई, मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा, मैं आपके घर आ सकता हूँ? अरे आ जाओ, घर तुम्हारा ही है भाई, आ रहे हो ना? ठीक है भाई। ए, ए, क्या बात है? सुनना,
तुझे लव लेटर लिखना आता है क्या? ए, चल हट। ए, तेरे को और कुछ काम नहीं है क्या? अरे यार तू तो पढ़ा लिखा है ना? यार तू मुझे सुबह से क्यों टॉर्चर कर रहा है भाई, एक हफ्ते में हमें बाहर निकाल देंगे, जाके उससे बात कर लेना। अरे ये प्यार का मैटर है, तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता मैं। ए, कोर्ट में अपनी कब सुनवाई है? शुक्रवार को बोल रहे हैं, भाई सब संभाल लेंगे। यार अगर अपन उसको टपका दिए होते तो भाई के सामने सीना तान के खड़े होते। कब तक बचेगा यार, बाहर निकलते ही टपका देंगे। बॉस मेरे लिए एक लेटर लिख दोगे क्या? टेंशन मत ले यार, अपन सब लोग तेरे साथ बाहर निकलेंगे, मैंने तेरे बारे में भी वकील से बात कर ली है। सच बात है भाई, जब उस दिन मैटर हुआ तो उन्होंने अपने एक दोस्त को काट डाला, तब अपने भाई ने उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में डालकर 5 लाख का खर्चा झेला। चुप करना, सही है ना? इधर लो। ये दिखने में भले ही सिंपल दिखता है, लेकिन स्टेट से लेके सेंट्रल तक हर जगह इसकी पहुंच है। जब इसके फादर जिंदा थे तो पूरा शहर इसके नाम से कांपता था। अगर ये चाहे तो तुम्हारा बेटा 1 मिनट में बाहर आ जाएगा। सब लड़के गुंडे हैं, बस तेरे बेटा अच्छा है क्या? उसने जिन लोगों को मारा है अब उनके परिवार को न्याय कौन देगा? तुमको क्या लगता है मैं किसी के लिए भी काम करूंगा, खूनी के लिए भी क्या? भैया भैया मेरे बेटे को बचा लीजिए भैया। अरे क्या कर रहे हो आप? भैया छात्र है मेरा बेटा, अभी तो कॉलेज में पढ़ता है भैया। भैया मेरे बेटे को बचा लीजिए भैया। अच्छा उसका नाम क्या है? सदानंद, सदानंद। अरे वकील साहब आ गए। भाई आए क्या सर? अभी नहीं सदानंद, अंदर बड़े बड़े हम बोर हो गए, हम लोगों को बाहर कब तक निकालेंगे आप? क्यों इतना सोच क्यों रहे सर? आज कुछ नहीं होगा सदानंद। क्यों सर? पुलिस की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, भाई बाहर नहीं निकल पाए, उनके लड़के लोग भाई के लिए बाहर घूम रहे हैं। आप एक ऐसी बातें कर रहे हो सर, आप ही ने कहा था कल तक जमानत हो जाएगी, अब अपनी बात से पलट रहे हो, क्या चल रहा है? अभी मामला बहुत खराब है भाई, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, बाहर आओगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। ये क्या सर, हमें डरा रहे हो क्या? एक काम करो, भाई को फोन करो, हम बात कर लेंगे। तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, जब ये सब बात धना बोलेगा तब मानोगे। हम उसके लिए तो अंदर आए हैं ना। बताइए अब हमें क्या करना है? टाइम झाला, इस बार संभाल लो, अगली बार मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? चला। ए, अंदर जाओ। इस केस के गुनाहगारों को भागते हुए वहाँ के लोगों ने बहुत ही बुरी दशा में देखा, सब घायल थे, लेकिन इस जवान लड़के को किसी भी साक्ष्य ने नहीं देखा। इसमें कौन कौन शामिल है वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसके बदले में कॉलेज में पढ़ने वाले एक मासूम से लड़के कन्नन को पकड़ लिया गया है, ये पुलिस की गलती है। कत्ल होने के समय ये लड़का कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था, इसके पूरे साक्ष्य हमें मिल चुके हैं, इसलिए कोर्ट कन्नन को बेगुनाह मानते हुए उसे बेइज्जत बरी करती है। और जो ये गुनहगार हैं, सनमुगम, कुमार, गोपाल कृष्णन, कुक्कू और दया, इन पांचों को पूछताछ के लिए 15 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर दिया जाता है, आदेश का पालन हो। बैठ जाओ। तुम लोगों ने देखा ना? देखा कि नहीं कौन आया तुम लोगों को बचाने? सुबह से सिर्फ तुम्हारे घर वाले यहां खड़े हैं। तुम लोगों ने अपने लिए तो ये सब नहीं किया ना? अरे मां के लिए जेल जा सकते हैं, बहन के लिए जेल जा सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए जेल जाकर क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अभी भी सच बता सकते हो, मैं देखूंगा कि तुम्हारी सजा कम हो जाए। नहीं सर, हमने किसी के लिए नहीं किया, हमारी पुरानी दुश्मनी थी इसीलिए वार किया था। कितने बेदर्दी से मेरे बच्चे को मारा है, बहुत दर्द हो रहा है ना बेटा। ए, अब तू क्या रोना रो रही है, उसे सोने दे, तू भी सो।
भैया भैया कुछ पैसे दे दो ना भैया, मेरे बच्चे को बचाना है। इसी हॉस्पिटल में एडमिट है वो, सर पे और पूरे शरीर पे घाव है उसके। कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा दे दो ना। बहन कुछ मदद कर सकती हो क्या? मेरा बेटा इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत बुरी तरीके से घायल है। उसके मालिक ने कहा था कि मदद करेगा, लेकिन नहीं मदद कर रहा है। ये हॉस्पिटल वाले पैसे मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। कहाँ से लाऊंगी मैं? मेरे बच्चे को बचा लो बहन, कुछ दे दो ना बहन, थोड़ी बहुत मदद करो बहन। बेटा कुछ पैसे की मदद कर दो। वहाँ पे क्या कर रही है? या ये? रुक जा बेटा, 2 रुपए कम है। मेरे बेटे के लिए दूध तो लेकर आ जाओ। तुम दूध लाओगी तब भी उसे पिला नहीं पाओगी। तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब उसे यहाँ से लेके जाओ, चलो। आए, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। कितना समझाया था कि उनके पास बच जा। आए, 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 वकील साहब बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हूँ आज मैं। आज मेरा भाई वापस मेरे साथ है। भाई अब आप मस्त रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। तुम मेरे घर पहली बार आए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। कुछ भी अपने एरिए का सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। ये सब मुझे नहीं चाहिए, लेना ही पड़ेगा, कुछ नहीं सुनूंगा। भाई नमस्ते भाई। अरे आजा छोटे। ए, अभी तो कोई काउंसलर नहीं है, बनने के बाद अकड़ दिखाना। बड़े से कैसे पेश आते, भूल गया क्या? पैर छू। ए, क्या कर रहा है? बड़ा हो जाएगा तो मुझे भूल जाएगा। नहीं भूलूंगा भाई। भाई साहब क्या हुआ बे? आपसे कुछ बात करनी थी। मैं क्या पब्लिक मीटिंग में हूँ, बोलना। आपने काउंसलर के पोस्ट के लिए मुझे बोला था और अब आप भैया को वो पोस्ट दे रहे हैं। अच्छा ये बात है, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, तूने दिल पे ले लिया। कोई भी पद पाने के लिए एक चेहरा चाहिए होता है ना, अपना थोड़ा देखा है एकदम गुंडे के जैसा, कौन वोट देगा तुझे बता? हैं? तू थोड़े दिन मेरे बेटे के साथ रह, उसके बाद देखता हूँ। चल जाना, काउंसलर बनेंगे। भाई क्या बोला उन्होंने? अभी तक बाप के लिए हम सबको मारते थे, लेकिन अब से बेटे के लिए सबको मारेंगे। जाओ यार, जाकर कोई अच्छा काम करो। धना सर वो केस खत्म कीजिए ना, वो इंस्पेक्टर तो हाथ धो के पीछे पड़ गया। ए, कौन है वो? कौन है वो इंस्पेक्टर? हम लोगों ने सेटलमेंट किया ना, तुझे नहीं दिख रहा है क्या? जीजा आप यहाँ बैठकर बात करें, वहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप मैटर जानते ही नहीं हो, सबकी मेरे पर नजर है। आपके चक्कर में मैं फंस गया। ए, किसका ट्रांसफर करना है? किसका करना है? उठवा लो क्या? उठवा लो। शांत होके बात कीजिए, बैठ जाइए। बैठो भाई, बैठ जाओ। एसआई सर, मेरे लड़कों को आप जानते नहीं। डरा के धमका के पूछेंगे तो शायद नहीं टूटेंगे सर, लेकिन अगर प्यार से पूछेंगे तो वो इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देंगे। प्यार में ताकत होती है, वैसे भी बहुत दिनों से अंदर पड़े हैं, और अगर वो बक दिए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक बार आप चाह लो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे साहब मैं? हाँ जी आप ही सॉल्व कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? कर सकते हो सर। साले जी मेरा भाई धना बिल्कुल सही कह रहा है। लो काम करके निकल जाओ।
चेन्नई के रामापुरम एरिया के काउंसलर के भाई के कत्ल के सिलसिले में कैद में लिए गए 6 लोगों ने जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और पुलिस ने उन्हें देख लिया और उनका एनकाउंटर हो गया। रात को लगभग 12 बज रहे थे, उसी टाइम अचानक बिजली चली गई। इन लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाया और जेल से भागने की कोशिश की, तो फिर पुलिस वालों ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस के ऊपर वार किया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए एनकाउंटर करना पड़ा। इसके बारे में पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए। आप देख रहे हैं जेल में जो 6 लड़के लोग मारे गए थे उनके परिवार वाले यहाँ प्रतिरोध कर रहे हैं। कोर्ट में उन्होंने मान लिया था कि उन्होंने ही कत्ल किया है, तो बताइए सर वो भागने की कोशिश क्यों करेंगे? ये हमारे बच्चों को मारने की साजिश थी सर। जी जान, मुझे यहाँ इस झबेले में फंसा कर वहाँ आराम से बैठ कर पी रहे हो? अरे साले साहब, तुम भी आके पी लो। आ रहे हो ना? अब मजाक मत कीजिए, शहर का सारा मीडिया क्रू मेरे पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा है। टीवी में भी देख रहा हूँ। बाहर लोग बहुत नाराज हैं, अगर गुस्से में अंदर आ गए ना तो स्टेशन की एक ईंट भी नहीं बचेगी। अभी मेरा टाइम सही है, सब लोग ज्यादा भड़के नहीं है। तो तुम उनकी नाराजगी दूर करो। लोगों को शांत करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है साले साहब। अगर लोग सोचने लगेंगे ना तो हमारी शांति भंग हो जाएगी। अफवाह फैलाओ कि ये सब भाग रहे थे। और इनके भागने के प्लान में वो कनन पीछे से इनकी मदद कर रहा था। कैसा लगा मेरा प्लान साले साहब? पता चला है कि उन 6 लोगों को भगाने में कनन देख रहे हो क्या न्यूज़ चल रही है? तुम्हें अरेस्ट करने आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। क्या जी, हमारे कनन को वो दोबारा लेके जाएंगे क्या? बोलिए ना, बताइए ना। कनन, नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं लेके जाने दूंगी। नहीं, पुलिस नहीं लेके जाएगी। पापा, मैं कनन को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैटर सॉल्व हो जाए तो मुझे फोन कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये अपने पास रख, कुछ भी हो तो फोन करना, चिंता मत करना। चलता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। ए, तेरा बेटा कहाँ है? ए, जाओ तलाशी लो। वो नहीं है सर। क्यों छुपा दिया है? हम पुलिस वाले हैं, रात के रात उसे ढूंढ निकालूंगा मैं। समझ में आया? जब तक वो नहीं मिलता तू मेरे साथ रहेगा। ए, चलो इसे। तेरा नाम क्या है? ए, बोल बे। मुथु रमन सर। तेरा बेटा किधर है? ए, सो क्यों रहा है? उठ। क्यों दीदी, जवान बेटी को लेके पुलिस स्टेशन में बैठी हो? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखने वाले लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। आप घर चलिए, मैं सब देख लूंगी। चलिए ना दीदी। रो मत दीदी, अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा लेता ही है। चिंता मत कीजिए, जब तक हमें उसे कुछ नहीं होगा। आप सुबह से बिना कुछ खाए पिए पुलिस स्टेशन में जाकर बैठी हो। आप लोगों को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? जाइए, घर जाइए और खाना तैयार करिए जाके। जाइए। क्यों री, तेरे जीजा कहाँ गए हैं? बाहर गए हुए हैं। घर में इतनी बड़ी परेशानी चल रही है और तू है कि रोज स्कूल जाया करती है, ये तुझे अच्छा लगता है क्या? नहीं, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? क्यों, मैंने तेरे भाई को एक फोन पे बाहर निकलवाया था ना। मैं तेरे जितनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। बस तू धना भाई के पास जाके बस एक बार बोल दे कि वो तेरे भाई और बाप को बचा ले। आधे घंटे में वो बाहर नहीं आया ना तो मेरा नाम बदल देना। तो इसके लिए इतना सोच क्या रही है? वो मेरी बात मानेंगे? वो तेरी ही बात मानेंगे। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मैं तुझे एरिया का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था ना, मैंने सबसे बात कर लिया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स भाई। बस तू अपना बैंक स्टेटमेंट भेज दे, अपने सीए को बोलकर तेरे सारे कागज तैयार करा देता हूँ। कल ऑफिस आ जाना, ठीक है? वही सब देख लेंगे, ठीक है ना? ठीक है। मेरा ऑडिटर चलेगा या अपना भेजेगा तू? अरे कुछ बोलेगा, चुप क्यों है? धना, धना, बोल ना। रखता हूँ। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। इसको अंदर ले जा। क्या हुआ धना, लड़की की आवाज आ रही है? कोई नया फूल खिला है क्या? कुछ नहीं भाई। अरे तू ही असली जिंदगी जीता है धना, यहाँ तो कसम से पतझड़ आ गया है। आप भी क्या बात करते हैं? अगर ये बोल देंगे तो वो पक्का छोड़ देंगे, ठीक है ना? तू यहीं रुक, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि थोड़ी
वसंत ऋतु मैं भी देख लूं धना। कोई बात नहीं, आप भी आ जाओ। सच बोल रहे हैं? अभी आता हूं भाई। राजा दूल्हे राजा, ए मेरे पिताजी, देख तेरा बेटा भीगी बिल्ली की तरह चला आया। पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर बचना चाहता था, अब पता चला पुलिस क्या होती है। मैं तो आ गया ना, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे ऑर्डर देगा? तुझे यहाँ लाने के लिए मैंने इसे अरेस्ट किया। तू उन लड़कों के साथ लॉकअप में था ना, कोर्ट में भी साथ में था, तो उन्हें भगाने के लिए जेल में तूने उनके साथ मिलकर प्लान बनाया है कि नहीं? बोलना, जरूर बताएगा, वरना तेरे बाप को यहां नंगा लटका के मारूंगा। नटराजन, ये तुम क्या कर रहे हो? कोर्ट में ये बेगुनाह साबित हो चुका है, क्यों पकड़ा इसे? सबसे पहले इसके कॉलर से हाथ हटाओ। सर, लेकिन ये वो करके रखा है। सर, सुबह लफड़ा करने के लिए इन लोगों ने स्टेशन पर अटैक किया था। सर, मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्टेशन की इज्जत भी तो बचानी है। पहले तो तुम अपनी नौकरी बचाओ। सर, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ नटराज। तुमने फेक एनकाउंटर किया है, तुम्हारे हिरासत से आखिर अपराधी कैसे भाग रहे थे इसकी जाँच चलेगी। इस केस के ऊपर जाँच बैठ चुकी है, तुम्हारा बचना मुश्किल है मिस्टर नटराज। बिना समय गवाए इन्हें रिलीज करो। बताया तुझे अच्छे से याद है ना? अगर तूने ये बात बाहर बताई ना, तो जानती है ना मैं कैसी हूँ? नहीं समझी? इस एरिया में जितने फिल्मी पोस्टर लगते हैं ना, वो हटवा के तेरे रंगीन पोस्टर लगवा दूंगी, अब समझी? ऐसी जिंदगी जीना सीख ले। मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरे घर वापस जाने से पहले तेरा बाप और तेरा भाई घर वापस पहुँच जाएंगे। क्यों, मेरी बात झूठ है क्या? तेरे बाप ने तुझे पालने के लिए कितना त्याग किया होगा, तूने उनके लिए छोटा सा त्याग किया तो क्या पहाड़ टूट गया क्या? हाँ? चल, ये देखो सब लोग सही सलामत आ गए। तू बेवजह रो रही है, सब लोग तेरे सामने ही हैं। छोटी है ना, अकेले रहने से डर गई, इसीलिए मैं इसे अपने घर लेके चली गई। मैं तो सुबह से इसे खाना खाने के लिए मना रही हूँ, पर इसने कुछ खाया ही नहीं, सुबह से ही रोए जा रही है। जा बेटा जा, जो हुआ वो भूल जा, जीवन में तो ये सब होता ही रहता है, अपने माँ बाप को संभाल, जा। दिव्या क्या कर रही है, चल ना पानी भरते हैं, आज पूरा घर ऐसे ही गंदा रहेगा, उठ जाना। दिव्या अब तो पानी भरने चलना। मैं नहीं चलूंगी। पानी भरने में इतना गुस्सा क्यों कर रही है, सुनाई नहीं देता क्या? दिव्या, ए दिव्या, पागल हो गई है क्या तू? चल माँ को मदद कर। आजा आजा। क्या दीदी, आपकी तबीयत खराब है ना? कोई बात है, उसको भेजना चाहिए ना। मेरी बदनसीबी भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप ले जाओ दीदी।
ला। कब से देख रही हूँ तू छुप छुप के बहुत रोए जा रही है। कल जिस टाइम स्कूल जाती है उस टाइम आ जाना, हम दोनों बाहर जाएंगे। क्यों क्यों मतलब? एक बात सुन, अब तू मेरी लाइन वाली हो गई है, अब तू चाह के भी मुझे मना नहीं कर सकती। नहीं। तुझे आना ही पड़ेगा, नहीं तो इस सेल फोन में जितनी फोटो हैं वो बाहर निकाल दूंगी। इस फोन में तेरी सारी फोटो हैं। अगर मुझे मालूम पड़ गया कि तूने इसके बारे में अपने घर वालों को बताया है तो जानती है ना? ऐसा मत करो। जब तक हमारी गलती किसी को पता ना चले हम देवी हैं, साक्षात सती सावित्री। अब किसी को बताना है या नहीं ये तेरी मर्जी के ऊपर है। इस सेल फोन में तेरा फोटो सो रहा है, इसको जगाने की कोशिश मत कर। तेरे जैसी कितनी लड़कियां मेरे पास है तुझे पता है? क्या देख रहा बे? चल इधर आ, इधर आ। क्यों बे? स्टेशन में मेरा हाथ पकड़ा था ना तूने? हाँ? दूसरे के सामने तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अब तुझे मारूंगा तो सवाल पूछने वाला कौन है बोल? मैंने पता किया तू कैसे बाहर आया और तेरे बाप ने किस किस को पैसे खिलाए, सारी बात पता चल गई। तू कहाँ बच के जाएगा? मैं 15 दिन के अंदर अंदर ड्यूटी दोबारा ज्वाइन करूंगा। ड्यूटी ज्वाइन करते ही तेरा केस दोबारा खोलूंगा। अगर तुझे दोबारा जेल के अंदर सड़ा ना दिया ना, एक बाप का बेटा नहीं। ए, अब मेरे सामने खड़ा होके क्या कर रहा है? चल, ऐसे क्या देख रहे बे? जा एंजॉय कर, चल समंदर की हवा का, चल निकल। अरे जाना, चल चल निकल। कनन, कनन, वो पुलिस वाला मर गया। क्या बात कर रहे तू बेटा? हाँ माँ, एक्सीडेंट में। चेन्नई शहर के कोट्टीवरम के हाईवे पर बहुत ही ज्यादा शराब के नशे में धुत पुलिस सब इंस्पेक्टर लॉरी के नीचे दबकर मर गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
बाबा। देखो मैं इसमें से सब उड़ा दूंगी, सब डिलीट कर दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो तुम। दिव्या जाओ चाय लेके आओ। खीर बनाओगे भैया? ठीक है मैं आ जाऊंगा, अब रखूं, गाड़ी लेके बाहर आया हूं और तुझसे बात कर रहा हूं। कौन है बे तू? भाई आप मुझे भूल गए? उस दिन कॉलेज में मैटर हुआ और आपने पुलिस स्टेशन से मुझे छुड़ाया था। ओह भाई, उसके बाद आपसे मिल नहीं सका, आपको यहां पर खड़े देखा तो सोचा आपसे मिलकर आपको थैंक्स बोल दूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कोई बात नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं भाई। ठीक है, बाद में मिलते हैं। क्या मुझे फॉलो कर रही हो? नहीं, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, तो प्यार किया तो हमेशा मेरे पीछे घूमती रहोगी? मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ लो, जाओ यहाँ से। अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। सच में मैं तुमसे कभी उस बारे में नहीं पूछूंगी, मुझे यकीन है तुम अच्छे हो। प्लीज मुझे समझो। क्यों खाना अंदर है ना? हाँ भाई है ना, आइए। नमस्ते भाई। अरे भाई यहाँ कैसे आना हुआ? भाई कैसे हो? कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बताइए बात क्या है? अब कैसे तुझसे कहूँ धना, बोलिए ना। अरे वो बात ये है कि रोड का कॉन्ट्रैक्ट जो था ना। हाँ आपने बोला था ना, टेंडर डाल दिया मैंने, उसी के बारे में जरा बात करनी थी।
ये भी नया नया काउंसलर बना है तो बिजनेस करना भी सीखना चाहता है। मेरे पीछे पड़ा है कि धना भाई से रोड कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवा दो। मेरे बेटे ने जो कुछ मांगा है मैंने कभी मना नहीं किया धना। तू मेरी बात समझ रहे ना धना? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं काम करूं या ये काम करे, बात तो एक ही हुई ना। बहुत बहुत थैंक्स धना, तूने मेरे दिल से बोझ हल्का कर दिया। तू बहुत सुपर है, सुपर। अरे भाई ये सब छोड़ो ना, वैसे भी मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कह रहे थे इसीलिए कर रहा था। तो अपने बेटे के नाम पे टेंडर डाल दूं क्या? आप आगे चलते रहिए, मैं आपके पीछे पीछे रहूंगा। अरे टेंडर वापस मत लो, तुमने जो अमाउंट कोट किया उसमें थोड़ा बढ़ा कर मैं तुम्हें वापस दे दूंगा धना। जब आप किसी धंधे में हो तो वहां मुझे नहीं होना चाहिए, ये मेरी स्टाइल नहीं है। अगर मैं रहूंगा तो सिर्फ मैं रहूंगा, ये मेरी पॉलिसी है। कांग्रेचुलेशन भाई, आप कॉन्ट्रैक्टर भी बन गए और पिताजी की राह पर भी चल। पिताजी मैंने पहले ही कहा था आप अगर बोलोगे तो धना मना नहीं करेगा, आपकी बात वो कभी टाल सकता है क्या? मैंने सोचा शायद वो मना कर देगा, लेकिन सच है भाई उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ कि आपने उससे काम छीन लिया, मर्द आदमी है भाई। वो हम सब की तरह खुशी या गम अपनी शक्ल पे नहीं दिखाएगा, काम पे दिखाएगा। कार में किसी ने पटाखा रखा था भाई, आपके सामने नाटक कर रहा था भाई, अपने चेहरे में खुशी रख के मैं मारना चाहता था भाई। वो हमारा क्या कर लेगा पिताजी, हम लोग भिखारी हैं क्या? गाड़ी निकाल जल्दी कर। क्या हुआ पिताजी? यहाँ से चलना। बोलो नेताजी। ए धना, मैंने तुझे कितना समझाया लेकिन तूने उसे मार दिया, अब तू नहीं बचेगा। नेताजी भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। ए तू मुझे उसकी तरह पागल समझ रहा है क्या? तुझे क्या लगा तू उसे मार देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा? वो मेरा खून था समझा? नेताजी जो भी हुआ मेरे सामने हुआ। ए जहाँ भागना है भाग जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। कौन? देखा है मैंने उसे, कहीं तो देखा है। कौन हो सकता है? याद कर। पता चल गया तो मार डालूंगा उसे।
तेरे जैसे कितने लोगों को मैंने टपकाया है और तू मुझे टपकाने आया है। चल आजा।